झारखंड पुलिस और भाजपा प्रतिनिधि की बैठक खत्म हुई। आपको बता दें कि लगभग डेढ़ घंटे चली बैठक से बाहर आकर अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चुनावी प्रचार में है, उनकी गैर मौजूदगी में उनके इलेक्शन एजेंट ने थाना पहुंचकर जवाब दिया है। वहीं इलेक्शन एजेंट नंदू ओझा ने कहा कि समय देने की मांग की है, 8 तारीख तक मांगा है समय। वहीं झारखंड पुलिस डीएसपी सुमित कुमार ने कहा कि टेल्को थाना में दर्ज हुए मामले में टीम पहुंची है, वहीं कुछ अभियुक्त हैं जिनकी छापेमार कार्रवाई जारी है। टेल्को थाना कांड संख्या 84-19 के अनुसंधान के क्रम में हम लोग यहां आए हैं जी, उसी के अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई इसमें, किसी गिरफ्तारी थी सर? गिरफ्तारी कुछ अभियुक्त हैं इसमें, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, प्रयास जारी है। कुमार ओझा ब्रह्मानंद जी का इलेक्शन एजेंट, ब्रह्मानंद जी को झारखंड पुलिस आज सुबह उनके निवास में उनके पुत्र को नोटिस दिया, उसका जवाब देने हम थाना आए हैं। झारखंड पुलिस को अपना जवाब दे दिए हैं, बस कुछ और बातचीत हुई है? नहीं नहीं, जो भी समय वगैरह नहीं मांगे हैं, बोले कभी अब चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान आ पाए हैं, अभी उपलब्ध नहीं है। पूरे कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के लिए निकले हैं अपने ब्रह्मानंद जी, अभी संपर्क हो नहीं पा रहे हैं उनके तक, आपका नोटिस पहुँच नहीं पाया है, तो 8 तारीख के बाद मतलब ऐसा नोटिस या ऐसा कुछ करें तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अब हम उनको पूरा सहयोग करेंगे भविष्य में, आप हमको समय दीजिए, आप ना कार्रवाई कीजिए। हमने आज आपका जो नोटिस मिला है उसका आप जवाब देने मौखिक रूप से भी और लिखित में भी दिए हैं। तो क्या रिसीप जवाब स्वीकार किए हैं उन्होंने? हाँ जो स्वीकार किए हैं, रिसीप दिए हैं। देखिए कोई चर्चा नहीं हुई है, उन्होंने एक जैसे कि ब्रह्मानंद जी के इलेक्शन एजेंट ने आप लोग को जानकारी दी, उन्होंने एक नोटिस दी उनके परिवार में, उस नोटिस का जवाब उनके इलेक्शन एजेंट, चूंकि वो उपलब्ध नहीं है चुनाव प्रचार में है, तो उनके इलेक्शन एजेंट इस दौरान उनकी तरफ से कोई भी शासकीय कार्य का जवाब देने के लिए अधिकृत है, तो वो अधिकृत रूप से अपना जवाब देने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमारी बात को, हमारे जवाब को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बाकी जो कार्रवाई होगी होगी। देखिए एक बात स्पष्ट है, प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जब वो उनके घर गए तो प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे, जब उन्होंने वहाँ पर नोटिस दी तो उस नोटिस का जवाब, इस चुनाव के पीरियड में अगर प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होता तो चुनाव प्रक्रिया में, संविधान में चुनाव प्रक्रिया दी जाती है कि इलेक्शन एजेंट उनके बिहाफ पर जवाब दे सकता है, उनके बिहाफ पर सारा काम कर सकता है। इलेक्शन एजेंट आकर उनको जवाब दे दिया है इलेक्शन एजेंट। सर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना था कि जो भी चीज़ उपलब्ध कराई गई है भाजपा के द्वारा कराई गई है, जो ब्रह्मानंद के बारे में है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अमरजीत भगत जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो कागज है, जो पत्थर है, जो बातें हैं, वो बातें हैं सामने आई हैं। हम बोलें कि ये तो षड्यंत्रपूर्ण किया जा रहा है, ये चुनाव के समय क्यों नहीं किया गया? अमरजीत भगत जी को अगर जानकारी थी तो वो स्क्रूटनी के समय क्यों नहीं बोले इस बात को? तो अमरजीत भगत जी का तो अनर्गल सब ये बयान रहता है कि किसने क्या किया, वो बात नहीं है, बात कानून पर चल रही है, कानून पर बात चल रही है।